अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच वीलॉग्स। मेरे बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं एक स्टॉल छोटा सा। अच्छा, इसमें हम आपको ये किस्म की सौगात के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और एक बिज़नेस आइडिया के तौर पे भी इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यानी ये इतने टेस्टी हैं, ये आलू चने खट्टे वाले ये इतने टेस्टी हैं कि काफ़ी इनके पास कस्टमर रश होता है। हर वक्त जब भी हम आएँ कस्टमर रश होता है और मशहूर हैं ये पूरे फैसलाबाद के अंदर, बलोच चने वाले के नाम से मशहूर हैं। तो मज़ीद बात करते हैं इस बिज़नेस आइडिया के हवाले से बलोच भाई से कि अगर किसी के पास कम पैसे हों, ये कारोबार करना चाहे शुरू एक छोटे लेवल पे, तो बेसिकली इसमें क्या एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है बहुत ही कम लेवल पे, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो मज़ीद बात करते हैं इस बलोच चने वाले भाई साहब से। हाँ जी, ये स्टॉल आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा स्टॉल है। सबसे पहले स्टॉल की बनावट देख लें कि इसमें सबसे नीचे ये एक स्टूल है और स्टूल के ऊपर ये इन्होंने ट्रे रखा हुआ है, और इस ट्रे में आप देखें कि ये चटनी का डब्बा और साथ आलू चने, और ये डिस्पोजेबल ग्लास में ये बना के देते हैं जी। ये आप देख सकते हैं किस खूबसूरती के साथ डिस्पोजेबल ग्लास को इन्होंने मिक्स आलू चना चाट के साथ सजाया हुआ है। तो मज़ीद बात करते हैं बलोच साहब से कि बलोच साहब के चने की आखिर क्या ख़ास बात है कि हर वक्त ये मसरूफ़ होते हैं और सारी दुनिया ही इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अच्छा, इसका एड्रेस हम आपको बता दें तो ये रीगल रोड अनारकली चौक, रीगल रोड पे ये खड़े होते हैं। आप अगर आते हैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए या अगर कभी नेक्स्ट आपका विज़िट होता है तो आप यहाँ के चने आलू ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। मज़ीद बात करते हैं बलोच साहब से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। अपना तारुफ करवा देंगे पहले जी? नारकली चौक बलोच मेरा नाम है और बलोच के नाम से चने आलू चने मशहूर हैं ये। अच्छा, ये हम देख रहे हैं बड़ा ही शार्ट और स्मार्ट सा आपका ये सेटअप है, बहुत ही छोटा सा सेटअप, मतलब एक इतना ही अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत भी है। इस बिज़नेस से कब से वाबस्ता हैं आप? मैं तकरीबन से 20-25 साल से लगा रहा हूँ ये यहाँ पे। 20-25 साल से आप इसी एक ही जगह पे हैं जी? नारकली चौक में इधर ही हूँ मैं 20-25 साल। अच्छा, तो ये डेली कितनी आपकी, मतलब ये कप हम देख रहे हैं, अगर कप की बात करें तो ये एक कप कितने का सेल करते हैं आप? ये हम पहले 30 में करते थे, अब हम 50 में करते हैं क्योंकि हर चीज़ महंगी है, हम अच्छी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जो आलू 20 रुपए के किलो भी मिलते हैं, 30 रुपए किलो भी मिलते हैं, मगर हम वो आलू इस्तेमाल करते हैं जो हम घर में छोटे गोश्त में पका के भी खा सकते हैं। अच्छा, ये जी बड़ा यूनिक सा स्टॉल, और यूनिक से स्टॉल में आप देख सकते हैं जो कप इन्होंने बनाए हुए हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, और ये 50 रुपीज़ वाला कप है जी, और बकौल उनके अच्छी क्वालिटी का आलू यूज़ करते हैं इसमें, अच्छी क्वालिटी के चने यूज़ होते हैं, तो इस वजह से इनकी जो प्राइस है वो भी उसी हिसाब से थोड़ी सी। अच्छा, मज़ीद बात करेंगे बलोच साहब, डेली कितना सेल कर जाते हैं आप? माशाल्लाह 4-5 हज़ार सेल कर लेते हैं, माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का। डेली की 4 से 5 हज़ार की आपकी सेल होती है इनकी, तो आपको क्या बच जाता है डेली का? हमें तकरीबन 2-2.5 हज़ार शुक्र अल्लाह का बच जाता है। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं फिर भी अल्लाह का हम बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। माशाल्लाह जी, ये आप देख रहे हैं इनका सेटअप, जस्ट एक ट्रे और साथ कुछ डिस्पोजेबल कप्स और एक स्टूल, बस ये टोटल इनकी शॉप है। और इस शॉप पे उनकी जो डेली की सेल है वो तकरीबन 5 हज़ार तक की, और जो इसमें प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 2500 रुपये तक का वो बता रहे हैं, मतलब अगर हम मंथ पे इसको डिवाइड करें तो तकरीबन 80,000 तक का जाके बनता है कि 80,000 रुपये महीने का। अच्छा बलोच साहब, ये आपने जब स्टार्ट किया था शुरू से तो कितने पैसे खर्च किए थे आपने इस पे आज से 25 साल पहले? आज से 25 साल पहले के आलू की बोरी उस वक्त 400 की थी, अब आलू की बोरी 8,000 की, आप हिसाब लगा लें, हर चीज़ महंगी हो गई है। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कितने पैसे से स्टार्ट किया था? मैंने तकरीबन ये 1,000-1,200 से स्टार्ट किया था, अब माशाल्लाह आपके सामने ही है। अच्छा जी, आज से 25 साल पहले जब स्टार्ट किया जस्ट 1,000-1,200 से, और ये स्टार्ट किया था, तो आज अगर कोई बंदा इस बिज़नेस से वाबस्ता होना चाहे जिसके पास कम पैसे होते हैं, छोटे कारोबारी लोगों के लिए अगर हम बात करें उनको एक आइडिया देना चाहें तो कितने एक पैसों से वो स्टार्ट कर सकता है इस छोटे से स्मार्ट से सेटअप को लेके?
अगर वो नारगली में या किसी अच्छे से पॉइंट में लगाए तो वो 3-4 हज़ार में कर सकता है। अगर लोकल किसी स्कूल के आगे लगाए तो 1000-1200-1500 में भी स्टार्ट कर सकता है वो, उसके घर का खर्चा निज़ाम चल सकता है। अच्छा, अगर कोई मतलब बाज़ार में या स्कूल में सपोज के 2-3 हज़ार से स्टार्ट लेता है तो डेली की उसे कितने इनकम हो सकती है? वो तकरीबन 1200-1300-1500 कमा लेगा। 1500 रुपए तक कमा लेगा? कमा लेगा वो, कमा लेगा। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया कि ये खुद जो सेल करते हैं इनको तकरीबन 2500 रुपए तक के बचते हैं, और अगर कोई बंदा ये स्टार्ट करना चाहेगा तो उसे जस्ट 3000 से वो ये स्टार्ट कर सकता है और डेली के 1500 रुपए तक की सेविंग उसको हो सकती है। अच्छा, ये मुख्तलिफ चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसा आपका ट्रे है, फिर साथ ये हम बाल्टियाँ देख रहे हैं, ये चटनी की, और इनके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएंगे कि इस तरह का ट्रे कितने का आ जाएगा, कितने पैसों में आ जाएगा? ये ट्रे मैंने तकरीबन आज से 8-10 साल पहले मैंने 3500 का लिया था, अब ये 10000 का ट्रे है क्योंकि इसका वजन ज्यादा है, इसका साइज बड़ा है। 10000 रुपए तक का इस तरह का ट्रे आ जाएगा जी। और ये बाल्टियाँ, बाल्टियों की क्या प्राइस होगी अंदाजा? ये बाल्टी भी स्टील की बाल्टी होती है, तकरीबन ये भी कोई 1000-1500 रुपए की है। 1000-1500 की बाल्टी, और ये आप देख सकते हैं इसमें ये क्या कहते हैं, खट्टा पानी कहते हैं इसको, इमली आलू बुखारे का पानी होता है, खट्टा होता है। इमली आलू बुखारे का पानी, ये खट्टा होता है, और ये अलग से पानी भी देते हैं आप? हाँ जी, अलग से पानी मैं 20 में देता हूँ। 20 का गिलास? जी 20 का गिलास देता हूँ। अच्छा, ये वाला जो डिस्पोजेबल गिलास है जी, 20 का अलग से ये पानी का गिलास देते हैं, और वैसे अगर कोई आलू चना चाट लेता है तो उसमें भी ये मिक्स करते होते हैं इसको, या अलग से देते हैं ऊपर पीने के लिए। तो ये था हमारा छोटा सा यूनिक सा बिज़नेस आइडिया, जो कि आप लोग बहुत ही कम पैसों के साथ इसका स्टार्ट ले सकते हैं। और ये थे हमारे बलोच भाई, और बलोच भाई की भी हमने आपको जायके के हवाले से बताया। अगर आप कभी विज़िट करते हैं इस बाज़ार का तो बलोच भाई के पास आपने ज़रूर इनके आलू चना चाट जो है वो खानी है जी। आखिर में बलोच भाई, हमारे इस तरह के व्यूवर्स जिनके पास पैसा बहुत कम होता है, परेशान होते हैं, घर बैठ के बच्चों के साथ लड़ते रहते हैं, इस तरह के लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं इस तरह के लोगों को मैसेज यही देना चाहता हूँ, काम कोई भी हो, चाहे छोटा सा हो, अपना होना चाहिए, कोई सा भी काम कर लो। ये जो बगानी मजदूरी होती है, किसी की मजदूरी करनी है, वो इंसान को गधा बना के इस्तेमाल करते हैं, फिर शाम को उनको पैसे देने के लिए उनकी जान निकलती है। अगर हम थोड़ा सा भी काम शुरू करेंगे, जो बचेगा वो अपना ही होगा, ना किसी की बात सुननी पड़ेगी, अपनी मेहनत, हाथ की मेहनत, जो हाथ से मेहनत करता है वो अल्लाह का दोस्त है जी। ये था जी बलोच भाई का मैसेज आप लोगों के लिए, जिनके पास पैसा कम होता है, परेशान बैठे होते हैं, और वो कहते हैं कि हम बनेंगे तो डायरेक्ट गवर्नर बनेंगे, छोटे मोटे काम नहीं करने, तो इस तरह के लोगों के लिए ये बड़ा ही उन्होंने मैसेज दिया। ये मुझे अच्छा लगा इनका ये मैसेज भी, बड़ा ही इंटरप्रेन्योरल टाइप का मैसेज है, और बड़ा अच्छा रहा जी बलोच साहब आपके साथ मुलाकात करके। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी।